Hi guys, wish you a very, very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of TYS. So wish you a very, very happy Sunday. It's 24th May, so we are going to take today's the Hindu news and analysis. As we all know, it is Sunday, so we don't have editorial analysis. We are going to take important news at all. Okay, so let's take today's analysis. The first news of today's is railways to run 2600 Shramik specials over the next 10 days. मैं आपको बता देती हूँ कि रेलवेज़ जो है रेलवे डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि हम नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए करीब 2600 ऐसी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जिससे कि 36 लाख माइग्रेंट्स को फ़ायदा होगा और वो अपने घर पे इजीली जो है पहुंच पाएंगे. ओके, और स्पेशली ये ट्रेन जो है श्रमिक को फोकस करते हुए बनाई स्टार्ट की जा रही है और इसमें करीब 50% ऐसे कोच होंगे जो आइसोलेशन कोचेज़ होंगे. ओके, इनको आइसोलेशन कोचेज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिससे कि COVID-19 के स्प्रेड का जो हम कह सकते हैं कि एक ख़तरा है या हम कह सकते हैं कि एक डर है उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है इन आइसोलेशन कोचेज़ के द्वारा. उसी के साथ में रेलवेज़ का ये भी डिसीज़न लिया गया है कि हम लोग जो है फूड एंड वाटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाने की जो है उसके ऊपर कार्य उस पर विचार किया जा रहा है. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को टेक ऑफ बाय मिड जून. ऐसा कहना है सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी का कि उन्होंने सैटरडे को स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग मिड जून तक, नेक्स्ट कमिंग जून में मिड जून तक अप्रॉक्सीमेटली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को स्टार्ट कर देंगे. इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल बी टेक ऑफ बाय मिड जून. ओके, वी आर वर्किंग ऑन इट, ऐसा जो है इनके द्वारा कहा गया है. एंड मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया के अंदर इंटर स्टेट जो है टेक ऑफ स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. नाउ इट इज़ गोइंग टू, ऐसा जो है डिसीज़न आ चुका है एंड इसके ऊपर भी इंटरनेशनल जो है फ्लाइट्स के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है, उसकी प्रिपरेशन भी की जा रही है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कैपिटल रिपोर्ट्स 23 COVID-19 डेथ्स बिगेस्ट जंप इन अ डे. एक 24 घंटे के अंदर कंटिन्यूसली जो है हाईएस्ट लेवल के नंबर डेथ केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं. दिल्ली में 23 जो है डेथ केसेस COVID-19 से एक ही दिन में देखे गए हैं. ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन नहीं कैरी करता बिकॉज ये हमारे लिए एक टेंशन क्रिएट करता है कि कंटिन्यू जहाँ पे हम इकोनॉमी और जहाँ पे मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे इस तरीके के केसेस का बढ़ना, इस तरीके के केसेस का जो है स्टार्ट बूस्टअप होना COVID-19 की केसेस का, उससे डेथ केसेस का बढ़ना अपने आप में एक टेंशन क्रिएट करने वाला एटमॉस्फेयर है या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन क्रिएट करता है. ओके, अब हमें ज़रूरत है कि हम इकोनॉमी को साथ में लेते हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करते हुए उसके साथ में लेते हुए COVID-19 को कंट्रोल करने की कोशिश करें. उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अ मॉकरी ऑफ DU एग्जामिनेशन. मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली ये डिसीज़न दिया था कि हम लोग जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट द अपोजिशन. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी लोग मिलकर यूनिवर्सिटी के इस डिसीज़न को अपोज़ कर रहे हैं. उनका ये कहना है कि विदाउट बुक्स, मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज ऑफ बुक्स, या हम कह सकते हैं प्रॉपर बुक्स या स्टडी स्टफ़ जो है उसकी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण, या फिर हम कह सकते हैं स्लो जो नेटवर्क एरिया है उसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनको इश्यू देखने को मिल रहा है. इसके चलते उन्होंने होने वाले एग्ज़ाम को जो है अपोज करने की या रोकने की बात कही गई है. ओके, लेट्स टेक टुडे नेक्स्ट न्यूज़ एंड इट इज़ ऑल अबाउट दिल्ली. दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर, पोल्यूशन कंट्रोल, देखिए पोल्यूशन को लेकर काफ़ी इश्यूज लास्ट ईयर देखने को मिले दिल्ली में, है ना. मिड 19 तक जाते जाते काफ़ी इश्यूज देखने को मिले थे पोल्यूशन को लेकर. उसी के चलते ऑड इवन के सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया था. काफ़ी नेगेटिव साइंस जो है पॉल्यूशन के एस्पेक्ट से देखने को मिल रहे थे. उसी को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो है प्लान्स जनरेट किए थे, काफ़ी सारे हम कह सकते हैं कि योजनाएं बनाई थी, स्कीम्स जनरेट की थी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए. ठीक है, अब वो सारे प्रोजेक्ट्स लॉकडाउन के चलते स्टॉप कर दिए गए बीच में. और अब क्योंकि वापस से जो है ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो रहा है, वापस जो है मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, उसके चलते
कोविड-19 के चलते इस खतरे के बढ़ से ज़्यादा जो है ख़तरनाक केस हमें पॉल्यूशन से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। सो इससे पहले कि वापस से जो है गाड़ियाँ उसी स्पीड से चलना स्टार्ट करें या रोड्स उसी लेवल पे व्यस्त होना स्टार्ट हो जाए, सरकार की ज़रूरत है कि वो पॉल्यूशन के अगेंस्ट जो फाइट है उसको कैरी ऑन करे, कंटिन्यू करे, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ने से रोका जा सके। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट न्यूज़। इट इज़ अबाउट NGT। NGT सीक्स रिपोर्ट्स ओवर प्ली ऑन इलीगल फैक्ट्रीज़। मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इज़ डिपार्टमेंट जो वर्क करता है इलीगल फैक्ट्रीज़ पर या ऐसी फैक्ट्रीज़ पर जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जो है आम जन को या जो सिटीज़ है रनिंग स्टेट्स या सिटीज़ उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है NGT वर्क करता है। उन डिपार्टमेंट्स में जो है NGT का नाम आता है, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करने की रिपोर्ट मांगी है उन्होंने कि इलीगल फैक्ट्री जो है उसकी डेटा हमें दिया जाए, उसका डेटा प्रोवाइड किया जाए जिससे कि हम लोग दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल पर वर्क कर सकें। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट न्यूज़। इट इज़ अबाउट या सी लिसन, देखिए जितने भी न्यूज़ जो बीच में जो ओवर हो रही है या हम कह सकते हैं हम नहीं ले रहे हैं, तो उसका रीज़न है कि वो न्यूज़ कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम वो सारी न्यूज़ कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए कहीं ना कहीं, चाहे प्रीलिम्स ले लीजिए चाहे मेंस ले लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हम वही न्यूज़ लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम को जो है इफ़ेक्ट करेगी, आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल होगी। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ BJP वॉन्स AP गवर्नमेंट अगेंस्ट सेल ऑफ TTD एसेट्स। मैं आपको बता देती हूँ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है TTD एसेट्स को सेल आउट करने का प्रोसीजर जो है या उसको सेल आउट करने की बात कही थी, प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने के डिसीजन पर वर्क कर रही थी वो, इवन ऑक्शंस भी अरेंज कर दिए गए थे 23 प्रॉपर्टीज़ पर, बट स्टिल BJP ने जो है उन्हें वॉर्न किया है इस सेलिंग को, इस ऑक्शंस को, इन सारे प्रोसीजर को रोकने के लिए जो है BJP द्वारा ऐसा कहा गया है कि रिसेंटली हाल ही में जो आपके द्वारा ये डिसीजंस लिए गए हैं उसे इमिजिएटली जो है स्टॉप किया जाए। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देखिए तिरुपति देवस्थानम्स के अंदर आता है ना, तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो कहीं ना कहीं रिचुअल या हम कह सकते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट को कवर करता है। सो हिंदूज़ जो है वहाँ के उस एरिया के उन्होंने अपोज किया है और उसी के चलते BJP ने ये एक्शन लिया है और इसके अंदर इसके तहत जो है इसे एंटी हिंदू एक्ट्स का नाम दिया जा रहा है। सो नाम हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिवली हो भी सकता है ऐसा कि इसी विचारधारा के साथ में इस कार्य को शुरू किया गया हो, बट स्टिल BJP ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को वॉर्न किया है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को इमिजिएटली स्टॉप करें। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज जम्मू कश्मीर ने, आपको बता देती हूँ जम्मू कश्मीर में ऑगस्ट एज़ वी ऑल नो ऑगस्ट में जो स्पेशल स्टेटस है उसे रिमूव कर दिया गया था एंड जम्मू कश्मीर को जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज़ में इंक्लूड कर दिया गया था। सो उसके चलते काफ़ी सारे न्यू पोस्ट जो है क्रिएट की गई थी या हम कह सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर नीड थी जो वर्कर्स की या गवर्नमेंट जॉब्स में ओपनिंग जो है देखी गई थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन जो है इसको स्टॉप कर दिया गया था, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। सो अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि हम रिसेंटली जो हमें पोस्ट चाहिए या गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हम लोग रिज्यूम करने जा रहे हैं। ओके, एंड इट इज़ अ गुड चांस फॉर एवरी वन टू गो टूवर्ड्स इट बिकॉज काफ़ी पॉजिटिव साइंस इस आर्टिकल में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में एक्स्ट्रा कोरोना फीस के तौर पे एक्स्ट्रा लिकर्स के ऊपर चार्जेस लिए जा रहे थे जो कि कभी अपोज भी किए गए लोगों द्वारा, कभी पॉजिटिव जो है वे में डिपार्टमेंट्स ने हैंडल भी किया है इस तरह के मैटर्स को, बट स्टिल एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है कि कोरोना फीस जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव साइन लेकर आई और हेल्प किया दिल्ली गवर्नमेंट को ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे जो है फिस्कल इश्यूज़ को लेकर। मैं आपको बता देती हूँ, करीब 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया है सिर्फ 22 दिन के अंदर, 1 मई टू 22 मई के बीच में करीब 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है कोरोना फीस के रूप में जो है इशू किया गया है या हम कह सकते हैं कलेक्ट हुआ है। ठीक है, और उड़ीसा ने
होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाने की बात कही है लेकर उस पर, बट विथ 50% प्रीमियम. ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल टू क्रिएट रेवेन्यू. एंड डेफिनेटली देखिए, ये इस तरह के जो इश्यूज हैं या इस तरह के जो स्टेप्स हैं, वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ में डिमांड और सप्लाई की चेन को भी मेंटेन करने का कार्य करेंगे, बिकॉज काफ़ी डिमांड जो है बढ़ गई है लॉकडाउन पीरियड के दौर में. सो इट इज़ कंपल्सरी टू create a balance between demand and supply, and for that particular balance we need to work towards extra efforts. Okay, and these extra efforts can be done by extra fees, extra premiums or whatever. So it will be beneficial for government and government policies as well as fiscal policies, and along with that it will be helpful to maintain a balance between demand and supply. Okay, so let's take to next news. Latin America is the new epicenter. This is said by WHO, and let me know you, Brazil is the first country, for top most country, which is carrying 330,000 cases, and here 21,000 death cases also. So it is the worst hit country ever, and it is in worst condition. So it is the time there where they should take the proper and appropriate steps to control the cases, because by these efforts, or effortless efforts I can say, they can control the COVID-19 cases, because 21,000 death cases अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. ओके, सो दे शुड वर्क ऑन इट, बट स्टिल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो COVID-19 के ऊपर कार्य कर रहे हैं, इस वायरस पर कार्य पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं. सो लेट्स सी कितना पॉजिटिव साइंस लेकर आते हैं. और क्योंकि एक जो वेट है, या हम कह सकते हैं हमारा जो निगाहें हैं, वो ऑलरेडी वेट कर रही है एक वैक्सीन की तरफ या एंटीडोट की तरफ, जो हमारे लिए काम करेगा COVID-19 को रिमूव करने में. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ चाइना सजेस्टेड शिफ्ट इन BRI अप्रोच एमिड डेट कंसर्न, विल फोकस ऑन क्वालिटी इन द जॉइंट परस्यूट ऑफ द BRI. चाइना ने हिंट दिया है कि हम लोग जो है BRI, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, को शिफ्ट करने की बात कही गई है, और कंसर्न के बढ़ते हुए दे आर गोइंग टू स्टार्ट बाय दिस, एंड रीपेमेंट जो डेट रीपेमेंट प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए काफ़ी सारे पार्टनर कंट्रीज़ जो है उनके साथ में ये डेट रीपेमेंट का कंसर्न जो है, कंसर्न प्रोसेस जो बढ़ता चला जा रहा है, उसको देखते हुए वो वर्क करेगी BRI के ऊपर. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट वन बेल्ट वन रोड. ठीक है, सो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, प्लेन क्रैश हुआ था पाकिस्तान में, हमने कल डिस्कस किया था, जिससे कि कराची के अंदर लैंड कर रहा था कोई प्लेन, और लैंडिंग के समय ही जो है इंजन फेल हो जाने के कारण, या हम कह सकते हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज क्रिएट हो जाने के कारण, उसने गलत तरीके से रश्ड एरिया में लैंड कर दिया गया. इट मीन्स वी कैन कह सकते हैं क्रैश हो गया, लैंड तो नहीं, क्रैश हो गया था, जिसमें करीब 2 लोग ऑलरेडी सर्वाइवर्स हैं. उसके अलावा 97 डेथ केसेस ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, मतलब 97 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी है. हाँ, रश्ड एरिया में क्रैश होने के कारण ये भी एक डर था कि कहीं उस एरिया में लोग इफेक्ट ना हो. तो मैं आपको बता दूं कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे इफेक्टेड जो है या डेथ केसेस देखने को नहीं मिले हैं अब तक. ठीक है, सो इट वी कैन से कि हमारी कॉन्डोलेंसेज बिल्कुल साथ में है पाकिस्तान के, एंड इस तरह के केसेस से बचने के लिए दे शुड वर्क ऑन टेक्निकल, एंड इवन नॉट इवन पाकिस्तान, काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो इस तरह के क्रैशेज या इश्यूज़ को टेक्निकल इश्यूज़, सो वी शुड वर्क ऑन इट ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ एक्सटेंड लोन्स विदाउट फेयर ऑफ 3Cs. फिनेंस मिनिस्टर का कहना है कि लोन्स को एक्सटेंड कर दिया जाए, बैंक्स को अलाउ कर दिया क्रेडिट फ्लो के लिए, जिससे कि जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं, आप क्रेडिट फ्लो कीजिए, लोन्स प्रोवाइड करवाइए. उसके लिए आपको CBI, CVC या CAC से डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना है. इट मीन्स दे वॉन्ट आई कैन से मनी फ्लो, वो लिक्विडिटी फ्लो या हम कह सकते हैं क्रेडिट फ्लो जो है उसे अलाउ करना चाह रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सके. द नेक्स्ट इज़ ड्यूअल एडवांटेज टू बेनिफिट इंडिया इन 2020 पोस्ट कोविड. ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपको पढ़ना चाहिए आर्टिकल,
ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, बट दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल जो कि पॉजिटिव साइंस शो करता है COVID-19 से रिलेटेड। अब तक हम यही देख रहे हैं कि COVID-19 से अब तक क्या इश्यूज़ हुए हैं, आने वाले टाइम में क्या इश्यूज़ क्रिएट होंगे, तो इन सारे इश्यूज़ से ओवरकम करते हुए ये आर्टिकल हमें बताता है कि COVID-19 के बाद में हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या एडवांटेज होंगे, इससे क्या क्या एडवांटेज हुए हैं COVID-19 से। इन सारे आर्टिकल्स को जो है, इन सारे पॉइंट्स को संजय श्रीवास्तव जी जो कि बिजनेस हेड हैं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के, उन्होंने जो है डिस्कस किया है यहाँ पे। ओके, सो यू शुड गो फॉर इट, लेट्स टेक नेक्स्ट। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके तहत COVID-19 की डेथ केसेस जैसा कि कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया ब्राज़ील में भी केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसके चलते यू कैन सी कि कुछ रिसर्च या कुछ जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती है कि COVID-19 डेथ केसेस का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है लंग्स में ब्लड के क्लॉट्स क्रिएट हो जाना। ओके, सो ये जो केसेस जो है, मैनी इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो है उनको इवेल्यूएट करने के बाद, अलग अलग लेवल्स पे इवेल्यूएट करने के बाद में ये रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है, कि उनके जो है ब्लड क्लॉट्स देखने को मिले हैं लंग्स में, जो कि डेथ केसेस जिसका कारण बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है कि हमें ये चीज़ पता चली है, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्चर्स या जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव साइंस देखने को नहीं मिले थे। बट अब क्योंकि एक रीज़न डेथ का हमें पता चल गया है कि डेथ का क्या कारण हो सकता है, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो, या हम कह सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो इस पर वर्क कर सकता है, ठीक है। क्लॉटिंग को रिमूव कर अगर किया जाए तो इस केसेस को, डेथ केसेस को एटलीस्ट स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। सो ये जो है, देखिए ये जो आर्टिकल्स है, डोमिसाइल रूल्स ऑफ फॉर जम्मू कश्मीर, ये आपको देखना चाहिए। न्यू पॉलिसी जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी जम्मू कश्मीर में, सो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था लोगों पर, इसके बारे में बताया है। जो डोमिसाइल रूल्स को जो है इशू किया गया था, उसके क्या स्टोरी है और क्या ये 2010 का ये जो एक्ट है ये क्या कहता है, इन सारी चीज़ों को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, व्हाट एक्सप्लेन्स द इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप। आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, और तो उसको देखते हुए LAC से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, डिस्प्यूट्स हैं, उसका क्या कारण है, क्या स्टोरी रही है पीछे, क्या कारण है कि आज भी हम उसको लेकर, इतने साल की आज़ादी के बाद भी हम उसको लेकर आज भी इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए हैं और उससे जूझ रहे हैं हम लोग। तो क्या इश्यूज़ हैं बॉर्डर इश्यूज़, उससे रिलेटेड क्या सेटलमेंट्स हो सकते हैं, ये सारे जो है आर्टिकल, इस आर्टिकल में कैरी करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया नेपाल, काला पानी से रिलेटेड इशू है ये, नेपाल और इंडिया के बीच में चल रहा है रिसेंटली, हम सभी को बताया, अभी हमने डिस्कस भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे। सो ये इसका क्या कारण है, क्या स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस रखता है, क्या इम्पॉर्टेंस है इस एरिया की, और क्यों इंडिया और नेपाल के बीच में इस तरह की जंग पिछले दिनों देखने को मिल रही है। सो ये सारे आर्टिकल्स जो है, ये तीनों आर्टिकल कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सो यू शुड गो फॉर इट। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ सेटलमेंट विदाउट पीस। मैं आपको बता देती हूँ, अब्दुल्ला जो कि अपना न्यूली अपॉइंटेड हैं, अभी रिसेंटली अपोजिशन पार्टी के लीडर है और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर अपॉइंटेड हैं। सो और नेक्स्ट हैं वहाँ के प्रेसिडेंट अफगान के, दैट इज़ अशरफ गनी। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे थे अभी लास्ट दिनों, तो उम्मीद है कि जो है सेटलमेंट, जो शांति तो नहीं स्थापित हुई है दोनों के बीच, लेकिन कुछ सेटलमेंट्स जो है कर दिए गए हैं दोनों के बीच में, सो देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं क्या पॉजिटिव साइंस लेकर आते हैं ये, और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स जो है या क्या इश्यूज आगे आने वाले टाइम में, वर्किंग टाइम में देखने को मिलते हैं दोनों के बीच में। ओके, जब दो पार्टीज़, अपोजिशन के दो लीडर्स एक साथ में आमने सामने खड़े होते हैं तो काफ़ी इश्यूज़ जो है क्रिएट होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर गोइंग टू बी हैपन, या हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिविटी क्रिएट करें दोनों लीडर्स के बीच में, ये भी एक संभावना बनती है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि दोनों के बीच में कैसे रिलेशंस मेंटेन होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी संडे, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।